नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुधवार को जगहा थाना क्षेत्र के दीवा गांव में बारात के परछावन में गांव के संगम यादव की लाठी डंडे से पीट पीट कर की गई हत्या। एसएसपी ने कहा, घटना में शामिल एक अभियुक्त को जगहा पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाकी अभियुक्तों की जल्द की जाएगी गिरफ्तारी। गोरखपुर में अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगी शहर में एंट्री। बिना हेलमेट के ना मिलेगा पेट्रोल, होगा वाहन का चालान। एसपी सिटी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बिना हेलमेट के ना निकले घर से बाहर, अपना व अपने परिवार की करें सुरक्षा। पिपरौली ब्लॉक के दीर्घन सिंह गांव में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा, गांव में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा, कार्यों को 3 महीने के अंदर पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आयुर्वेद का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ा गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के बीच एमओयू हस्ताक्षरित। आयुष को मॉडर्न मेडिसिन के समांतर खड़ा करने का मिलकर प्रयास करेंगे दोनों विश्वविद्यालय। पूर्वी उत्तर प्रदेश को औषधीय खेती को बड़ा केंद्र बनाने के लिए भी हुआ है करार। आयुष के प्रति जन जागरण और आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध की सभी संभावनाओं पर भी होंगे साझा कार्य। शास्त्री चौक व अंबेडकर चौराहे पर लगने वाले ठेले खुमचे वालों को नगर निगम व डूडा द्वारा हरिओम नगर में चिन्हित वेंडिंग जोन में किया गया व्यवस्थित। सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगरवासियों से किया अनुरोध, कहा वेंडिंग जोन में ही आकर खरीदे फल सब्जी ताकि मिल सके जाम की समस्या से निजात। रेल मदद ऐप पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के मामले में भारतीय रेल के सभी जोनों में पूर्वोत्तर रेलवे रहा नंबर 1। मात्र 12 मिनट रहा प्रति शिकायतों के निस्तारण का औसत समय। रेलवे बोर्ड द्वारा रेल मदद सील 2022 प्रदान कर पूर्वोत्तर रेलवे को किया जाएगा पुरस्कृत। सीबीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। उन्नीस मई को मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त जेसीबी किया बरामद, भेजा जेल। पोषण मिशन की बैठक जिला अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। प्रतिदिन का डाटा उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी आकाश कुमार चंडालिया को किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जिले की परियोजनाओं के संबंध में रेलवे से संबंधित प्रकरण से संबंधित जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रामगढ़ताल थाने का एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया तिमाही निरीक्षण। थाना परिसर, कार्यालय, बैरक, शस्त्र, मालखाना, रजिस्टर को किया चेक। कहा, निरीक्षण में रामगढ़ताल थाना हुआ पास, कमियों को दूर करने के लिए दिए गए हैं निर्देश। और अब अस्पतालों में जन्म के कुछ मिनटों बाद ही हेल्थ कर्मी वार्ड में पहुंचकर अपने टैबलेट के कैमरे से एक क्लिक कर बना देंगे नवजात का आधार कार्ड। करीब 1000 नवजात शिशु का बन चुका है आधार कार्ड। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जगहा थाना क्षेत्र के दीवा गांव में बारात के परछावन के दौरान गांव के ही संगम यादव की लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर पहुंची जगहा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोप था कि दूल्हे के मामा और उनके बेटे के साथ और बारातियों ने हत्या की है। बुधवार की शाम 7 बजे इंदर चौहान की बारात खजनी के उन्वल में जा रही थी। परछावन में संगम भी शामिल था। इस दौरान दूल्हे इंदल के मामा और उनके बेटे तथा उन लोगों ने तिलक में हुए विवाद की रंजिश में संगम की पिटाई कर दी, जिसमें संगम बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
जिसके संबंध में संगम के पिता ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि कल रात में बारात में मारपीट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस फोर्स को गाँव में तैनात किया गया है। जल्द ही बाकी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, नहीं वहाँ तो वो हो रहा है, जो यहाँ हुई वहाँ तो जंगहा थाना क्षेत्र में एक गांव में कल रात में बारात में हुए झगड़े के दौरान गांव के ही एक युवक की मारपीट में मृत्यु हो गई, जिसमें कि पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंच के दोनों पक्षों को अलग किया। मृतक को अस्पताल भिजवाया, जहां कि उसे डेड घोषित किया गया और उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो पीड़ित पक्ष है उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी हो जाएगी और पूरे प्रकरण में पुलिस तत्परता से कार्यवाही कर रही है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और वहां पर एहतियातन पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसमें बाजा जो बारात है उसमें कुछ झगड़ा हुआ था, जो कि इसमें दोनों पक्ष एक ही गाँव के हैं और उसी बात को लेकर कल रात में दोनों पक्षों में कुछ मारपीट हुई, जिसमें डंडा लगने से संभवतः एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मृत्यु के सही कारणों का तस्दीक करने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। प्रथम दृष्टिया जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कैंट पुलिस ने शास्त्री चौक पर बिना हेलमेट के शहर में चल रहे वाहन चालकों के खिलाफ हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सभी दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर ही चले, क्योंकि हेलमेट लगाने से जीवन का बचाव होगा। अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के जाता है तो उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा, पुलिस आपके वाहन का चालान करेगी, इसलिए सभी लोग हेलमेट लगाकर चलें, अपने जीवन की रक्षा करें। एसपी सिटी ने कहा, शहर के किसी भी सड़क पर स्टंट मना है, अगर कोई व्यक्ति स्टंट करते पाया जाता है तो उसके वाहन का चालान व गाड़ी के सीज की कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे, उप निरीक्षक रवि कुमार राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, Thank you.
जनपद गोरखपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत शहर के सभी टू व्हीलर्स एंड पिलियन राइडर्स से मेरा अनुरोध है कि आप हेलमेट लगा के ही सड़क पर चलें। अगर हम हमारे मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा के चलते हैं तो मोबाइल से हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हेलमेट से हमारे जीवन का जरूर बचाव होगा। आज दूसरा दिन है जब हेलमेट का अभियान चलाया जा रहा है और पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं देंगे अगर आप बिना हेलमेट के गए तो, और पुलिस चालान जरूर करेगी अगर आप बिना हेलमेट के गए तो। और मेरी उम्मीद है कि गोरखपुर के लोग मुझे निराश नहीं करेंगे और सभी लोग हेलमेट पहन के चलेंगे और अपने जीवन की रक्षा करेंगे। सर, बहुत से ऐसे लड़के हैं, शहर की किसी भी सड़क पर कोई स्टंटबाजी अलाउड नहीं है और गोरखपुर पुलिस उनका तुरंत चालान करेगी एवं अगर स्टंट करते हुए दिखे तो गाड़ी सीज भी करेगी।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गुरुवार को पिपरौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत दीर्घन सिंगी में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिले के सभी अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है। उसी क्रम में मेरे द्वारा पिपरौली ब्लॉक में चौपाल लगाया गया था, जिसमें शासन के द्वारा चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई है। इसके अलावा चौपाल में अधिकतर मामले शासन के द्वारा चल रहे विकास कार्यों से संबंधित आए हैं, जिसको देखते हुए कार्यों को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा के कार्य हैं। सभी अधिकारियों को कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे गांव को एक आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, इसके अलावा जो और कार्य लिए गए हैं उसको मैं पढ़ लेगा, जो कार्य के अगले 3-4 महीने में सारे कार्य को कम्प्लीट किया जाएंगे। आपके यहाँ सारे टेंडर हो चुके हैं, टोटल कार्य ऐसा ज्यादा देर मतलब जो बचे हैं वो सिर्फ 22 से बचे हैं। वेरिएशन 2 तरह का है सर, जो 10% से अधिक लोअर साइड में है। आज जंगल दीर्घन गांव पिपरौली में ब्लॉक पिपरौली में चौपाल लगाई गई थी, जैसे हमारे लगातार सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चौपाल लगा के लोगों को प्रशासन उनके द्वार तक पहुंचा के योजनाओं की समीक्षा करके अध्यादेश लोगों के सामने प्रस्तुत करके आपत्तियां दावे लिए जाएंगी। जन कल्याणकारी योजनाओं में 100% आच्छादन संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा एवं अवस्थापना संबंधित योजनाओं के बारे में समीक्षा की जाएगी, और जहां भी कोई शिथिलता अनियमितता पाई जाती तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। किस तरह के मामले विकास संबंधित योजनाओं की हमारे समीक्षा की गई है, अभी उनको 3 महीने का समय दिया गया है ताकि जितने भी धनराशि स्वीकृत हुई है, करीब 5 करोड़ से ज़्यादा धनराशि वहाँ स्वीकृत हुई है, वहाँ सभी कार्य समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक किए जाएंगे। उसकी थर्ड पार्टी एजेंसी भी लगाई गई है RCUS, वहाँ पर सत्यापन करेगी, रिपोर्ट देगी, एक आदर्श गाँव के रूप में उसको विकसित करने का प्रयास किया। आयुष और आयुर्वेद का हब बनने की दिशा में गोरखपुर गुरुवार को और आगे बढ़ गया। आयुर्वेद समेत समूचे आयुष पद्धति को मॉडर्न मेडिसिन के समांतर खड़ा करने के मजबूत प्रयास के तहत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर MOU हस्ताक्षरित व हस्तांतरित हुआ। इस करार के अनुसार दोनों विश्वविद्यालय आयुर्वेद के सभी क्षेत्रों में शोध की सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश को औषधीय खेती का बड़ा केंद्र बनाएंगे। गुरुवार को महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी के बीच MOU का आदान प्रदान हुआ। इसके पहले महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रदीप राव व आयुष विश्वविद्यालय के कुलसचिव राधेश्याम बहादुर सिंह ने MOU हस्ताक्षरित किए। MOU के अनुसार दोनों विश्वविद्यालय मिलकर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद समेत आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति जन जागरण का अभियान चलाएंगे। साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में हर उस संभावना पर ध्यान दिया जाएगा जिस पर शोध व अनुसंधान से समाज को हानि रहित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा सके। दोनों विश्वविद्यालयों ने औषधीय खेती को बढ़ावा देने के प्रति भी साझी प्रतिबद्धता दर्शाई। इस अवसर पर आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह ने कहा कि आज हुए करार से गोरखपुर को केंद्र में रखकर पूर्वी उत्तर प्रदेश आयुर्वेद और आयुष का हब बनाने की तैयारी और सुदृढ़ हुई है। आयुर्वेद की समृद्धि से औषधीय खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। औषधीय खेती किसानों की आय को विस्तारित करेगी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी ने कहा कि आज हस्ताक्षरित और हस्तांतरित हुआ MOU आयुर्वेद को मॉडर्न मेडिसिन के समांतर खड़ा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप राव, आयुष विश्वविद्यालय के कुल सचिव राधेश्याम बहादुर सिंह, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गणेश पाटिल, डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर दीपू मनोहर, डॉक्टर पीयूष वर्मा, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर प्रिया नायर, डॉक्टर जसोबेन समेत दोनों विश्वविद्यालयों के विशिष्ट जन मौजूद रहे।
गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव और नगर निगम प्रवर्तन दल टीम के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह के द्वारा शास्त्री चौक व अम्बेडकर चौराहे पर लगने वाले ठेले खुमचों वालों से बात की और उन्हें नगर निगम व डूडा द्वारा हरिओम नगर में चिन्हित वेंडिंग जोन में ही अपनी दुकानें लगाने की बात कही गई और उन्हें व्यवस्थित किया गया। इस दौरान 100 से अधिक ठेले खुमचों वाले मौजूद रहे, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि 135 दुकानों का आवंटन होना है, जिसमें से 129 दुकानें आवंटित हो गई हैं। ये वो लोग हैं जो हरिओम नगर, अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक पर ठेले खुमचे लगाकर पटरी पर व्यवसाय करते हैं। उन्हें यहां दुकान लगाने के लिए कहा गया है तथा नगर निगम द्वारा सफाई की व्यवस्था की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जाम की समस्या से निजात मिल सके और इनका भी नुकसान ना हो तथा गोरखपुर के वासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी वेंडिंग जोन में ही आकर फल सब्जी खरीदें। उन्होंने कहा कि दो और जगह वेंडिंग जोन के लिए चिन्हित की गई है, वहां भी लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज, परिवर्तन दल प्रभारी सीपी सिंह सहित पटरी व्यवसायी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, कितने का अलॉटमेंट है खुशी सर? अलाउंस भी किया था हम लोग, तो ऐसे लोगों की ज्यादा है, पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि जो सारे लोग दुकान हटा दे देंगे, कभी तत्काल में वहाँ नहीं। अभी ये लोग जितने लोग हैं, एक बात हुआ लोग गलती से गाय वगैरह पहुंच भी जाता है वहाँ पे तो आधा एक घंटा के लिए, जैसे ही कोई फोटो खींच के डाला कि अरे यहाँ पे रोड पे है, कोई भी हमारे मीडिया वाले इतने लोग कोई भी अगर डाल दिया केस की यहाँ पे अभी भी लोग हैं, तुरंत उनको सीज करके कार्रवाई हो जाएगी। तो ये यहाँ बढ़िया है, यहाँ पे स्थाई पूरा हो गया आपका। शुरुआत में हम लोग 3 दिन लगाए थे, 2-3 हज़ार घाटा लगे थे, वो तब जब वहाँ पे हम लोग हटा नहीं पाए। अब ये रोज इनकी टीम जो है रोज यहीं टहलती रहेगी, समझ रहे हो? देख लो ना, इतने जितने हैं सब मुस्टर्डे से पहलते रहेंगे यहाँ पे, कोई भी आदमी दिखा तुरंत ना उन सब यहीं आएंगे लेने के लिए, सबको ढूंढ लेना, इनको भी देखना ये है, ये अलॉटमेंट किया ना तुम्हारा, सब तुम यही दिखेंगे सामने। ये भी आ जाएंगे, डीएम साहब भी एक दिन आएंगे, सब भी लेंगे, साहब खुद ही आएंगे, हम सब रिक्वेस्ट कर लेंगे, कमिटमेंट है कि हम डीएम साहब को लेके आएंगे हम लोग लेके आएंगे डीएम साहब, फल फ्रूट जो का सब। और अब आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों से 3-4 लोगों का समूह बना लीजिए यहाँ पे, जो शिकायत करेगा जिसका काम है सिर्फ फोन पर शिकायत बताना, कि अगर कोई आदमी वहाँ लगा रहा है तो तुरंत फोन पर मैसेज मेरे डाल दो, इनका नंबर ले लो, 3-4 नंबर दे देंगे, नंबर 3-4 लोग का तो मैं दे रहा हूँ, तुरंत करो और फिर चुटकी बजाकर देखो 2 घंटे के अंदर वो वहाँ से हट जाएंगे। ऐसा होगा तभी वहाँ पे जब नहीं होगा, पहले सुनो, हर बार की तरह और इस बार में ये अंतर इस बार रहेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी भैया अपने वाले पे जाके कब्जा तुरंत कर लो, तुरंत एडजस्ट हो जाओ, नहीं तो दिक्कत। जब इस यहाँ का आरती बोल रहा हूँ, इस वेंडिंग जोन का, अभी भी देखिए सर वहाँ लोग लगा रहे हैं, देखिए सर ये गलत हो रहा है, बस एक बोल दो सर, हमको नंबर मिल गया लेकिन इसमें हमारा दुकान, मैं खत्म कर दूँ, एक ही चीज मैं बता रहा हूँ, आप ही शिकायत करोगे, आप मेरे पास मैसेज भेज दोगे, तुरंत मैं इनको भेज दूंगा, इनके पास भेज दोगे खुद ये देख लेंगे, और मैं 2 नंबर और दे दे रहा हूँ, 2-3 नंबर, ठीक है? आप तुरंत मैसेज कर दिए स्थानीय, देखिए डूडा द्वारा वेंडिंग जोन जो बनाए गए हैं नगर निगम और डूडा के सहयोग से, इसमें 135 दुकानों का यहाँ पे आवंटन है, जिसमें से 129 दुकान आवंटित हो चुकी है। तो यहाँ पे जो भी रेहड़ी पटरी व्यवसायी हैं, जो हरिओम
उद्योग नगर और कलेक्ट्रेट और आसपास के इलाकों में जो भी पटरी व्यवसाय करते हैं, जो भी फल ठेले सब्जी इस तरह का जो व्यापार करते हैं, तो उनके लिए बना हुआ था और पूर्व से आवंटन था और पूर्व में भी कई बार प्रयास किया गया था इनको यहाँ शिफ्ट करने के लिए। तो आज क्योंकि इनसे पूर्व में ही वार्ता कर ली गई थी और सभी अपनी सहमति जताए थे, तो सबके लिए एक समान पॉलिसी अपनाते हुए सबको यहाँ शिफ्ट करने का अनुरोध किया गया और सभी यहाँ पे इसमें सहमत हुए हैं और 129 लोग यहाँ पे आने की सहमति जता दिए हैं। तो सभी अब धीरे धीरे अपना सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और जहाँ जहाँ जिनको आवंटन हुआ है वो वहाँ पे अपना कब्जा प्राप्त कर रहे हैं। नगर निगम यहाँ पे जो बेसिक और सुविधाएँ दी जा सकती हैं इनको वो यहाँ पे उपलब्ध करा रहा है। साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ अभी से करा दी जा रही है, पहले से साफ़ सफाई और बाकी और साफ़ सफाई यहाँ कराई जा रही है। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि सड़क किसी भी तरह से सड़क पर अतिक्रमण नहीं रहेगा और जो भी पटरी ठेले वाले और जो भी हमारे व्यवसायी हैं उनकी भी जीविका के साथ कोई नुकसान ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो, इसलिए उनके लिए हमने स्पेसिफिक एक जोन यहाँ पे चिन्हित कर दिया है। तो यहाँ उनके लिए और बेहतर के लिए काम किया जाएगा और आपके माध्यम से मैं गोरखपुर की जनता और इस क्षेत्र की जनता को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी इस वेंडिंग जोन के क्षेत्र में ही आके अपना जो भी सामान खरीदना है, फल सब्जी या और भी जो सामान खरीदना है, वो यहीं आके खरीदें और इससे शहर की जो समस्या है अतिक्रमण की और जाम की, इससे उनको निजात मिल सकेगी। देखिए यहाँ पे इस समय 129 लोग का आवंटन हो चुके हैं, इसके अतिरिक्त भी हम और आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जो पूर्व के आवंटन में जो छूटे रह गए तो उनकी भी लिस्ट हम प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे दो और वेंडिंग जोन अभी बने हुए हैं और भी कई स्थल चिन्हित हुए हैं शहर में, हमने कई स्थल चिन्हित किए हैं, तो जो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे उनको यहाँ करेंगे। इसके अलावा बाकी लोग के लिए हम जो और चिन्हित स्थल वहाँ पर उनको शिफ्ट करेंगे। रेलवे यात्री शिकायत निवारण और प्रबंधन प्रणाली रेल मदद ऐप यात्रियों को मोबाइल फोन या वेब के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है, साथ ही ऐप में फोटो अपलोड करने का विकल्प भी है। एक बार जब यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर लेता है तो उसे भारतीय रेलवे द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करने हेतु SMS के माध्यम से एक त्वरित ID प्राप्त होती है। साथ ही रेल मदद ऐप यात्रियों को उनकी शिकायतों के निवारण की स्थिति पर रियल टाइम फीडबैक देता है। इस ऐप पर विभिन्न हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शित होते हैं, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, सुरक्षा नंबर तथा इसके अतिरिक्त एक आसान चरण में तत्काल सहायता के लिए सीधे कॉल करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इंटरनेट से इस जमाने में अब रेलवे तक अपनी शिकायत पहुंचाना बेहद आसान है। इसके अलावा आप अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत इसके जरिए कर सकते हैं। सफर के दौरान यात्री पानी, बिजली और साफ सफाई के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए यात्री को एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है जिसमें शिकायत संबंधी डिटेल, घटना की तारीख, कर्मचारी का नाम, घटनास्थल इत्यादि की जानकारी देनी होती है। यात्री इसमें अपनी शिकायत विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने वर्ष 2021-22 में रेल मदद पोर्टल पर कुल 29,087 शिकायत प्राप्त किया तथा सभी का निस्तारण समय से किया गया। 39,087 शिकायतों के निस्तारण के उपरांत यात्रियों द्वारा कुल 17,605 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 11,766 उत्कृष्ट फीडबैक रहा, अर्थात कुल 66.83% उत्कृष्ट रहा। और पूर्वोत्तर रेलवे का प्रति शिकायतों के निस्तारण का औसत समय मात्र 12 मिनट रहा। रेल मदद ऐप शिकायतों के निस्तारण के मामले में भारतीय रेल के सभी जोनों में पूर्वोत्तर रेलवे का प्रथम स्थान है, जिसके लिए रेलवे बोर्ड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे को रेल मदद सील 2022 प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे यात्री प्रधान रेलवे है और यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी मदद के लिए रेल मदद ऐप भारतीय रेल ने डेवलप किया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से या रेल मदद पोर्टल के माध्यम से या 139 रेल मदद हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से यात्री सीधा रेलवे से जुड़ सकते हैं और अपनी शिकायतें, सुझाव रेलवे को दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत हो, किसी भी तरह का सुझाव हो, रेलवे को दें, उस पर रेलवे विचार करती है। पूर्वोत्तर रेलवे निरंतर जो यात्रियों से प्राप्त शिकायत हैं उनके निस्तारण के लिए लगातार बेहतर कार्य कर रही है। पहले ऑन एन एवरेज एक शिकायत जो रेल मदद पर मिलती थी उसके निस्तारण का समय अगर मैं 2020 की बात करूं तो लगभग 4 घंटे से 5 घंटे होते थे। उस पर लगातार मॉनिटरिंग की गई और लगातार इस पर जो हमारे मंडल की टीमें हैं, हेडक्वार्टर की टीमें हैं, इन्होंने वर्क किया, जिसके फलस्वरूप अभी ऑन एन एवरेज 10 से 12 मिनट किसी एक शिकायत के डिस्पोजल में लगता है।
पूरे भारतीय रेल में पूर्वोत्तर रेलवे ने सबसे फास्ट डिस्पोजल किया है शिकायतों का, सबसे तेज़ी से निस्तारण किया है, जिसके फलस्वरूप इस बार भारतीय रेल स्तर पर जो शील्ड मिलती है रेल मदद की वो पूर्वोत्तर रेलवे को मिल रही है। और यात्रियों की जो शिकायतें आती हैं उस पर हम लोग काम करने के बाद उनको मैसेज भी जाता है जिसमें यात्रियों का फीडबैक भी प्राप्त होता है। तो पिछले अगर वित्त वर्ष की बात करें तो लगभग 39,000 शिकायतें अलग अलग कैटेगरी की प्राप्त हुई, जिनको जैसा कि मैंने बताया एवरेज टाइम लगभग 10 से 12 मिनट के बीच में हम लोगों ने उसको डिस्पोज ऑफ किया, उसका निस्तारण किया। और उसके बाद जिन लगभग 17,000 यात्रियों ने उस पर अपना फीडबैक भी दिया, जिनमें से 70% से ज़्यादा फीडबैक जो हमको प्राप्त हुए वो एक्सीलेंट कैटेगरी के फीडबैक प्राप्त हुए, जिससे यह पता चलता है कि जो हम लोगों ने डिस्पोजल किया शिकायतों का उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। और लगातार पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों के बेहतर सुविधा के लिए और सेवा के लिए कार्य कर रही है। किसी को भी अगर किसी प्रकार की शिकायत हो तो आप इस ऐप के माध्यम से, रेलवे की हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से या रेल मदद के माध्यम से हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। रेलवे सीधे आपकी शिकायतों का, आपके सुझावों का पर विचार करके उसका निस्तारण करें। तो इस बार सबसे तेज़ी से निस्तारण करने के क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे को भारतीय रेल स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, जो रेलवे वीक अवार्ड समारोह होता है भारतीय रेलवे के स्तर पर, उसके अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे को रेल मदद की शील्ड दी जाएगी। कैंट पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कूड़ाघाट तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अजीत पासवान पुत्र बालकेश पासवान निवासी शिवपुर चौराहा सिंगरिया थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 19 मई को लगभग 1:30 बजे रात्रि को कब्जा करने की नियत से जेसीबी के द्वारा वादिनी के बाउंड्री व दुकान को तोड़कर गिरा दिया गया था, जिसमें वांछित अभियुक्त अजीत पासवान जो जेसीबी चला रहा था फरार चल रहा था, इसके द्वारा जेसीबी से उक्त बाउंड्री व दुकान को गिराया गया था और गिराकर यह जेसीबी लेकर भाग गया था। आज जेसीबी के साथ पकड़ा गया है, जेसीबी को थाने पर दाखिल किया गया एवं अभियुक्त अजीत को जेल भेजा जा रहा है। इसके पूर्व 3 अभियुक्त भी जेल भेजे जा चुके हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अमित चौधरी, कांस्टेबल अंकित कुमार, वैभव श्रीवास्तव शामिल रहे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुधवार को जगहा थाना क्षेत्र के दीवा गांव में बारात के परछावन में गांव के संगम यादव की लाठी डंडे से पीट पीट कर की गई हत्या। एसएसपी ने कहा घटना में शामिल एक अभियुक्त को जगहा पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाकी अभियुक्तों की जल्द की जाएगी गिरफ्तारी। गोरखपुर में अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगी शहर में एंट्री, बिना हेलमेट के ना मिलेगा पेट्रोल, होगा वाहन का चालान। एसपी सिटी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बिना हेलमेट के ना निकले घर से बाहर, अपना व अपने परिवार की करे सुरक्षा। पिपरौली ब्लॉक के दीर्घन सिंह गांव में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, कहा गांव में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा, कार्यों को 3 महीने के अंदर पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आयुर्वेद का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ा गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के बीच एमओयू हस्ताक्षरित, आयुष को मॉडर्न मेडिसिन के समांतर खड़ा करने का मिलकर प्रयास करेंगे दोनों विश्वविद्यालय। पूर्वी उत्तर प्रदेश को औषधीय खेती को बड़ा केंद्र बनाने के लिए भी हुआ है करार। आयुष के प्रति जन जागरण और आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध की सभी संभावनाओं पर भी होंगे साझा कार्य।
शास्त्री चौक व अंबेडकर चौराहे पर लगने वाले ठेले खुमचे वालों को नगर निगम व डूडा द्वारा हरिओम नगर में चिन्हित वेंडिंग जोन में किया गया व्यवस्थित। सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगर वासियों से किया अनुरोध, कहा वेंडिंग जोन में ही आकर खरीदे फल सब्जी ताकि मिल सके जाम की समस्या से निजात। रेल मदद ऐप पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के मामले में भारतीय रेल के सभी जोनों में पूर्वोत्तर रेलवे रहा नंबर वन। मात्र 12 मिनट रहा प्रति शिकायतों के निस्तारण का औसत समय। रेलवे बोर्ड द्वारा रेल मदद सील 2022 प्रदान कर पूर्वोत्तर रेलवे को किया जाएगा पुरस्कृत। CBRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। उन्नीस मई को मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त JCB किया बरामद, भेजा जेल। पोषण मिशन की बैठक जिला अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। प्रतिदिन का डाटा उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी आकाश कुमार चंडालिया को किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जिले की परियोजनाओं के संबंध में रेलवे से संबंधित प्रकरण से संबंधित जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रामगढ़ताल थाने का SP श्री कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया तिमाही निरीक्षण। थाना परिसर, कार्यालय, बैरक, शस्त्र, मालखाना, रजिस्टर को किया चेक। कहा निरीक्षण में रामगढ़ताल थाना हुआ पास, कमियों को दूर करने के लिए दिए गए हैं निर्देश। और अब अस्पतालों में जन्म के कुछ मिनटों बाद ही हेल्थ कर्मी वार्ड में पहुंचकर अपने टैबलेट के कैमरे से एक क्लिक कर बना देंगे नवजात का आधार कार्ड। करीब 1000 नवजात शिशु का बन चुका है आधार कार्ड। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान, डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय।
भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में पोषण मिशन की बैठक सफल संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने पोषण मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि पोषण मिशन के तहत जो भी सामग्री बंट रही है उसका डाटा प्रतिदिन का उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि डाटा के आधार पर कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा, गाँव में चौपाल के दौरान शिकायत आती है कि जो सामग्री बंटनी होती है वह बच्चों को बंटती नहीं है, इसलिए सभी अधिकारी प्रतिदिन का डाटा उपलब्ध करवाए, जिससे कि यह पता चल सके कि कहां पर कौन सी सामग्री बट रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि टीम बनाकर कार्यों की मॉनिटरिंग की जाए। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन शून्य तो आज तुमने क्या उत्तर दिया है? पर्यावरणी क्या कहते हैं? जीरो, बर्बाद हो गया। आप भी ये कह रहे हो कि एक मजरे में बढ़ता नहीं है, मैं आगे से करूंगा। तो जिस गांव में मेरा चौपाल लगता है वहां भी उसी का टोला है ना वो। जी सर, आपको मैंने देखिए क्या बोला मैंने, आपको मैंने बोला डेटा के बिना नहीं हो सकता है। आप मुझे महीने में कितनी बार मिलते हैं? एक बार नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई तो मैं अपना टाइमिंग आपके अनुसार नहीं करूंगा। कोई भी डिपार्टमेंट अगर चलेगा जिसे ग्राम विकास चल रहा है डेटा की वजह से, एजुकेशन चल रहा है डेटा की वजह से, स्वास्थ्य चल रहा है डेटा की वजह से, आपका नहीं चल पाएगा इससे, नहीं चल पाएगा मंथली मीटिंग से। डेटा चाहिए, डेटा डेली डेटा मॉनिटरिंग से सिस्टम चलता है। इट शुड बी अ डेटा ड्रिवन डिपार्टमेंट, देयर इज नो ऑप्शन। भगवान है, उसके बाद डेटा है, बीच में कुछ नहीं है। क्या है, हेमंत सिंह, विजय आनंद, इंद्रजीत नहीं चला पाएंगे। हम लोग निर्देश दे सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन डेटा आधारित होता है। अभी किसी भी सीडीपीओ को खड़ा कर दूंगा, उनको यह पता है कि उनके आंगनबाड़ी केंद्र में क्या हुआ है, कुछ भी पता है फिर तो कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं? डेटा तो है नहीं। अभी मेरे लेटर के बाद उन्होंने बहुत सारे पत्र आपको भेजे, एक को भी लेटर तुमने लेके आया मेरे पास? तुम्हारे लड़के कहाँ हैं? हेमंत, आपके लड़के कहाँ? जिले में आना थे, ब्लॉक पे आने थे, वो कहाँ हैं लड़के? क्या क्वालिफिकेशन है जिले वाले में? नहीं, क्या है ये? नहीं, मुझे जिले में टीम चाहिए जो डेटा डेली मॉनिटरिंग करेगा। एजुकेशन विभाग डीएसए को नहीं चलता है, सात डीसी मैंने तैनात किया उसको चलता है, मिड डे मील का चल, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट में हो नहीं रहा है। कुछ नहीं तो मैं गूगल शीट से करा लूंगा यार, एनआरएलएम का देखो बजट पर क्या है, सब डेटा सोच नहीं था बना दिया। आप में जो है उसका टेस्ट कर दो ना यहाँ पे। ये मत सोचो कि हमको अपनी एग्जिस्टिंग टीम से ही काम कराना चाहिए। मैंने तुम्हें बता भी तो था तुम्हारे पास टीम नहीं है। मैंने कहा था तुम एक तीन चार लोगों की टीम बनाओगे, कहाँ है तुम्हारी टीम बताओ, किस किस को क्या काम किया? मैं जाना चाहता हूँ, पिछले एक महीने में उन्होंने प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किया था, बताओ ना कौन है किसको? शाहपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को धर्मपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आकाश कुमार चंडालिया पुत्र ताराचंद चंडालिया निवासी ग्रीन गोदान रोड हरिजन बस्ती बजरिया थाना मानटाउन जनपद सवाई माधोपुर राजस्थान के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध देसी तमंचा एक अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल चंदन चौहान, अरविंद यादव शामिल रहे।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के परियोजनाओं के संबंध में रेलवे से संबंधित प्रकरण की विकास भवन के सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गुरधुया नाले की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले का 55% पानी गुरधुया नाले में जाता है, इसलिए गुरधुया नाले का कार्य बरसात से पहले पूरा किया जाए। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को चल रहे विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करने की अपील की, जिससे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जिलाधिकारी ने रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले ओवरब्रिज की समीक्षा करते हुए कहा कि 2024 चुनाव से पहले पूरा किया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों का आगमन होता है, इसलिए कार्यों में शीघ्रता लाई जाए। इस अवसर पर CDO इंद्रजीत सिंह, AGM सिटी विनीत कुमार सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बहुत सारे रेलवे के अधिकारी तो आप नंबर दे रही है, कौन कौन आए, मैंने जो बुलाया था प्राधिकरण जाए हैं, नगर निगम से कौन आए हैं, रेलवे की रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन मिली, और अगर कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं तो रेगुलरली वही रहे हैं जो निर्णय लेने वाले लोग। सरप्राइजिंग है कि रेलवे दोनों भी ठीक है। मुख्य अभियंता नगर निगम, नगर निगम की तरफ से आ गए हैं। नगरीय विद्युत वितरण खंड, लोक निर्माण विभाग से आए हैं। सेतु निगम, हाँ ठीक, पहले हम अपना बिंदु लेंगे फिर रेलवे, उनके भी तो कुछ इश्यूज हैं, जो डिसीजन से भूल जाइए ना, रेलवे का इतना जंबल्ड अप है कि पता नहीं चलता NER को है ना। इश्यूज इस फोरम में डिस्कस होना चाहिए, किसी का भी डिवीजन हो। और वो आशुतोष गुप्ता कहाँ है, अगली मीटिंग में उनको आने को बोलिए। ऑपरेशन का भी इशू हम डिस्कस करेंगे, का इशू भी आप इधर आइए, आप आइए, मैं ऑलरेडी ऐसे भी ऑफिसर हैं, आपको सामने आना चाहिए। जो है वो सर इस भूमि की पहले ये हो रहा था कि राज्य सरकार की भूमि है सर, फिर सर जो रेलवे ने सर अपने डॉक्यूमेंट से सर वो किए थे, प्रेजेंट किए थे सर, आपको कॉपी भी दी थी आपने सर, जो है वो उप जिलाधिकारी सदर को जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन वो चीज अभी उसकी नहीं ली सर अभी। रेलवे से 30 मीटर उस रोड की चौड़ाई आपके नक्शे के हिसाब से, और वो एक चौराहा है हर जगह जाता है, जिस साइड पे खड़े होके करवाएं इस वरना अच्छी तरह से 34 मीटर वरना और माहौल खराब है। मौके पे जो एग्जिस्टिंग रोड की विड्थ है अभी 17 मीटर, तो वो जो 13 मीटर अभी तो सड़क पे ही बचा हुआ है। ये बात जब नगर निगम को समझाई गई, नगर निगम को क्लियर समझाया गया, नगर निगम ने अपनी दुकानें वो आगे रेंट पे देना बंद कर दिया। ये था कि एक अंडर पास बनाया जा रहा था, उसके नीचे से जो छोटी गाड़ियां निकलने के लिए, उसका प्रोविजन इनके द्वारा नहीं किया गया। दूसरा काम स्टार्ट करने के लिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की परमिशन ली जाती है, वो इनको क्यों नहीं आ रहा है भाई, इतना जाम लग रहा है वहाँ पे सर। इसमें रेलवे द्वारा हमारा काम बंद कर दिया। अरे क्यों सर, एक्चुअल में ये सर डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत वर्क सेंशन था, कितनी जमीन दी है उसका भी रनिंग अकाउंट ले लें। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कप्तानगंज से पटौना मार्ग पे आरोपी इनको पैसा जमा करना था स्टेट गवर्नमेंट, वो पेमेंट जमा नहीं हुआ, उसकी वजह से पता नहीं किसी पैसा जमा करना है इनके द्वारा दिया गया है सर। अभी बात नहीं आप अपने पैसा पैसा तो है और नहीं तो मंगा लो आप जमा दे दो। चोरी सारी तरह 1 महीने से काम चल रहा था सर, तब से ये लोग काम बंद कर दिए, पैसा नहीं दिया तो अभी के बंद करेंगे। लेकिन आप कोई SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने रामगढ़ताल थाने का तिमाही निरीक्षण किया, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि रामगढ़ताल थाने का तिमाही निरीक्षण किया गया है, जिसको देखते हुए थाने की चार दीवारी, शस्त्र, पुलिस बैरक, मेज, थाना परिसर, थाने के साफ सफाई कार्यों का विवरण, थाना के आपराधिक रजिस्टर, मुख्यमंत्री शिकायत रजिस्टर, अधिकारी शिकायत रजिस्टर को चेक किया गया है। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान जो भी कमी पाई गई है उसको समय से दूर करने के लिए निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा निरीक्षण में थाना रामगढ़ताल का कार्य संतोषजनक रहा। इस अवसर पर रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, SSI SK शर्मा, उप निरीक्षक धर्मेंद्र जैन, सुशील प्रसाद, प्रधान यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा up.
पूरे हैं उतने जीपी लिस्ट में और सारे हैं। जुलाई 2006 से है।
क्या उन्होंने उनके कार्यालय में मार्ड खोलने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की, उसका सबसे एक जो भी ले लो कारखाने को ले लो उनका तो है ही, हमारी सबसे ले लो कि उन्होंने माल निपटाने के लिए क्या कार्रवाई की है। मोटरसाइकिलें हैं मोस्टली और ये गाड़ियाँ हैं, गाड़ी की भी कार्रवाई हो सकती है। कोई चार दीवारी नहीं है, तो चार दीवारी बहुत ज़रूरी है। ये गाड़ी है इसको छुड़वाया नहीं गया अभी तक, सरकारी गाड़ी है आने की गाड़ी है, इसलिए केस में उसकी विवेचना पूर्ण हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद छुड़वाया नहीं गया। पूरी जगह नहीं है इस वजह से सवाल हो यार कम से कम इतना तो कितने लिए थे नौ, ये तो हो गया ना, तो बारह हाँ बारह तीन बार हुए हैं ना कैंट साहब ने तेरा तीन को किया है, शिक्षा अधिकारी गणों द्वारा, और ये यहाँ के लिए और इन जनरल का भी एक भेज देना सभी शिक्षा गणों को, इनको हर 15 दिन में आकस्मिक निरीक्षण करना होता है। निरीक्षण किया गया, इस निरीक्षण में थाने की चार दीवारी, थाने की जीपी लिस्ट, थाने का नक्शा नौकरी, थाने की साफ़ सफाई, थाने का मैस एवं थाने के कर्मचारियों द्वारा नित प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों का विवरण चेक किया गया।
एवं संतोषजनक स्थिति है थाने की, लेकिन जहाँ जहाँ कमियाँ पाई गई हैं उनको निर्देश दिया है कि उन कमियों का निस्तारण कर समय रहते लोगों की सहयोग एवं लोगों की सेवा के अंदर थाना अपना कार्य करता रहे, इसकी हिदायत दी गई है। सभी रजिस्टर चेक किए गए हैं, सभी गांव के रजिस्टर चेक किए गए हैं, एचएस के सभी एचएस की निगरानी के लिए चेक किए गए हैं और थाने का कार्य संतोषजनक है। आधार कार्ड लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन के तहत शासन ने एक नई पहल शुरू की है। आपको बता दें कि नवजात के रिकॉर्ड और आंकड़ों को दुरुस्त करने के लिए अब अस्पतालों में जन्म के कुछ मिनटों बाद हेल्थ कर्मी वार्ड में पहुंचकर अपने टैबलेट के कैमरे से एक क्लिक कर आधार कार्ड बना देंगे। यह सुविधा जिला अस्पताल सीएससी पीएससी पर शुरू हो चुकी है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि नवजात शिशु के जन्म के 21 दिन के बाद जन्म प्रमाण पत्र देना होता है और उस जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता या पिता का आधार नंबर से अंगूठा लगा करके नन्ही सी जान की पहली पहचान एक योजना होती है। इस योजना में सरकार द्वारा ट्रेनिंग के बाद हेल्थ कर्मी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आधार बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू होने से प्रसव के लिए लोगों का रुझान सरकारी अस्पताल की ओर बढ़ेगा। प्रसव के बाद कर्मचारी खुद वार्ड में आकर नवजात के आधार कार्ड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक करीब 1000 नवजात शिशु का आधार कार्ड बन चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए अभी तक हम लोग जो है केवल बच्चों का जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे और अभी हाल ही में सरकार ने हमारे यहाँ के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है, उनका जो है आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन बन रहा है और इसमें जब नवजात शिशु पैदा होता है तो जब वो 21 दिन के अंदर उसे जन्म प्रमाण पत्र देना होता है और उस जन्म प्रमाण पत्र के साथ माता या पिता का आधार नंबर लेकर के उनका अंगूठा लगवा करके उनकी पहचान नन्ही सी जान की पहली पहचान एक योजना शुरू की है और इसी योजना के तहत हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान समय में हमारे जितने भी राज्य चिकित्सालय जहाँ पर बर्थ हो रहा है, बच्चों का जन्म हो रहा है, चाहे जिला चिकित्सालय हो, पुलिस चिकित्सालय और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फारूज हैं, वहाँ पर किया जा रहा है। उसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ पर जन्म होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ पर भी कार्य शुरू कराया जा रहा है। सर अभी तक कितने बच्चों का आधार कार्ड बन चुका है? और अभी तक जहां तक कि आधार लिंक कार्ड जो है लगभग 1000 बच्चों का हम बना चुके हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बुधवार को जगहा थाना क्षेत्र के दीवा गांव में बारात के परछावन में गांव के संगम यादव की लाठी डंडे से पीट पीट कर की गई हत्या। एसएसपी ने कहा, घटना में शामिल एक अभियुक्त को जगहा पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाकी अभियुक्तों की जल्द की जाएगी गिरफ्तारी। गोरखपुर में अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगी शहर में एंट्री, बिना हेलमेट के ना मिलेगा पेट्रोल, होगा वाहन का चालान। एसपी सिटी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बिना हेलमेट के ना निकले घर से बाहर, अपना व अपने परिवार की करे सुरक्षा। पिपरौली ब्लॉक के दीर्घन सिंघी गांव में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, कहा गांव में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा, कार्यों को 3 महीने के अंदर पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आयुर्वेद का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ा गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम के बीच एमओयू हस्ताक्षरित। आयुष को मॉडर्न मेडिसिन के समांतर खड़ा करने का मिलकर प्रयास करेंगे दोनों विश्वविद्यालय। पूर्वी उत्तर प्रदेश को औषधीय खेती को बड़ा केंद्र बनाने के लिए भी हुआ है करार। आयुष के प्रति जन जागरण और आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध की सभी संभावनाओं पर भी होंगे साझा कार्य। शास्त्री चौक व अंबेडकर चौराहे पर लगने वाले ठेले खुमचे वालों को नगर निगम व डूडा द्वारा हरिओम नगर में चिन्हित वेंडिंग जोन में किया गया व्यवस्थित। सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगरवासियों से किया अनुरोध, कहा वेंडिंग जोन में ही आकर खरीदे फल सब्जी ताकि मिल सके जाम की समस्या से निजात।
रेल मदद ऐप पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण के मामले में भारतीय रेल के सभी जोनों में पूर्वोत्तर रेलवे रहा नंबर वन। मात्र 12 मिनट रहा प्रति शिकायतों के निस्तारण का औसत समय। रेलवे बोर्ड द्वारा रेल मदद सील 2022 प्रदान कर पूर्वोत्तर रेलवे को किया जाएगा पुरस्कृत। CBRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। उन्नीस मई को मारपीट व हत्या के प्रयास के आरोप में वांछित एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त JCB किया बरामद, भेजा जेल। पोषण मिशन की बैठक जिला अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। प्रतिदिन का डाटा उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी आकाश कुमार चंडालिया को किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जिले की परियोजनाओं के संबंध में रेलवे से संबंधित प्रकरण से संबंधित जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रामगढ़ताल थाने का SP श्री कृष्ण कुमार बिश्नोई ने किया तिमाही निरीक्षण। थाना परिसर, कार्यालय, बैरक, शस्त्र, मालखाना, रजिस्टर को किया चेक। कहा, निरीक्षण में रामगढ़ताल थाना हुआ पास। कमियों को दूर करने के लिए दिए गए हैं निर्देश। और अब अस्पतालों में जन्म के कुछ मिनटों बाद ही हेल्थ कर्मी वार्ड में पहुंचकर अपने टैबलेट के कैमरे से एक क्लिक कर बना देंगे नवजात का आधार कार्ड। करीब 1000 नवजात शिशु का बन चुका है आधार कार्ड। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।